नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रवेश प्रारंभ। पद्मश्री पब्लिक स्कूल कक्षा 1 से 10 तक CBSE पैटर्न पर आधारित। हमारी विशेषताएं सर्व सुविधा युक्त क्लासरूम, सुयोग्य व अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ बड़ा कंप्यूटर लैब, अत्याधुनिक कंप्यूटर द्वारा प्रोजेक्ट वर्क, अन्य गतिविधि में खेलकूद, प्रशिक्षित स्पोर्ट्स टीचर, स्पेशल क्लासेस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पता: पद्मश्री पब्लिक स्कूल, आनंद नगर, बोदाबाग, रीवा। संपर्क 7747078477। उमरिया महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों मृतकों के परिजनों से की मुलाकात। खबर: मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में इस घटना को लेकर कांग्रेस के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ITO उमरिया के अधिकारी को हटाए जाने की मांग की है, जिसको लेकर CM ने आश्वासन भी दिया। प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उमरिया जिले के घनघरी स्थित नेशनल हाईवे ओवर ब्रिज के पास बस दुर्घटना में घायल एवं मृतक के परिजनों से जिला चिकित्सालय उमरिया में मिलकर दुर्घटना में घायल एवं मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी एवं धारसा बंधाया। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री जी ने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों से मिलकर उनसे चर्चा की, उनकी सेहत के विषय में उनसे जानकारी ली एवं कुशलक्षेम पूछा तथा मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों के परिजनों को प्रदेश की जनजातीय कार्य विभाग की मंत्री मीना सिंह एवं सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह ने भी सांत्वना दी। शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं शासकीय सेवा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस दुर्घटना में घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया कराया जाएगा और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 तथा सामान्य रूप से घायलों को 10,000 रुपए की राशि आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। रैफर के दौरान रोजगार सहायक ने भी दम तोड़ा। घनघरी स्थित ओवरब्रिज सड़क हादसे में 3 मौतों के बाद एक रोजगार सहायक के भी मृत्यु होने की खबर है। इस तरह सड़क हादसे में 4 मौत हो चुकी है। शहडोल संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। दुर्घटना में क्योंकि मोटरसाइकिल और बस जैसी मुझे जानकारी बताई, अचानक आ जाने के कारण बस पलटी और उसमें हमारे जो जानकारी 3 साथियों की मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हुआ और कुछ साथी घायल हुए। गवर्नर साहब और मैं दोनों सबसे पहले अस्पताल गए, घायलों का हालचाल भी जाना, उनके उचित इलाज के निर्देश भी दिए। इस दुर्घटना में जो हमारे साथी नहीं रहे, ये बहुत ही दुखद है। हमने तय किया कि उनके परिजनों को राहत मिले, उनके परिजनों के साथ हम खड़े हैं दुख की घड़ी में। 10 लाख रुपए की सहायता निधि हमने प्रभावित परिवार के परिजनों को देने का फैसला किया है। उसी परिवार में एक नौकरी भी, जिसकी पात्रता परिवार का कोई सदस्य रखता हो, परिवार वाले जो बताएंगे, वो भी दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपया निःशुल्क इलाज के साथ साथ। मैंने कविस्तर कलेक्टर को ये भी कहा है कि अगर कहीं बाहर भेज के भी इलाज की ज़रूरत होगी तो हम संपूर्ण इलाज करवाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिनको साधारण ही चोटें आई है, उनसे भी मिल के आए हम, उनको तात्कालिक रूप से 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। आज चूंकि ये दुर्घटना हुई है, पर दुर्घटना में तीन दुखद मृत्यु हुई है, 3 लोगों की, और 15-20 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और जो भी उनको अच्छी से अच्छी चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए वो चिकित्सा सुविधा उनको तत्काल दी गई है। पूरा प्रशासन यहाँ पर है, मैं और DG साहब यहाँ पर हैं, और बहुत ही दुखद और तकलीफ वाली घटना ये है। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि बस का परमिशन नहीं रही, मतलब बस खड़ी हुई थी, उसको कार्यक्रम के लिए अधिग्रहण किया गया, क्या ये उचित था? क्या
आप जो बता रहे हैं इसको घटना के बाद जो है जो जांच होगी उसमें इस बिंदु को भी शामिल करें। देखिए वो तो डॉक्टर लोगों को तय कर रहे हैं और डॉक्टर लोग तय कर रहे हैं, लेकिन 15 से 20 लोग कम से कम जो है वो घायल है, उनका इलाज चल रहा है। और राज्य शासन की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी फोन करके मुझसे घटना की जानकारी ली है और कार्यक्रम में आने के साथ ही जो है उन्होंने ये निर्देश दिया है कि घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराया जाए, उनको अच्छी से अच्छा इलाज दिया जाए। अगर किसी को बाहर भेजना है तो उसको तत्काल बाहर भेजा जाए। तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग जो भी सर्वोत्तम प्रयास है वो कर रहे हैं। उमरिया जिला में सीएम का प्रोग्राम था फरोला में, उसी कार्यक्रम के लिए ये बस जो आ रही थी भोथरा से चल के और घंघरी ब्रिज पहुंची थी जहां पर ये हादसा हुआ है। घंघरी ब्रिज में दो टू व्हीलर में बाइक में जो सवार थे उनके ऊपर बस कंट्रोल नहीं कर पाई, इतनी तेज़ रफ्तार में बस की स्पीड थी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए और बाइक वालों के ऊपर ठोकर मारते हुए बस भी पलट गई, ताकि उसमें काफ़ी लोग गंभीर हुए और जो बाइक वाले हैं दो लोग बाइक में थे वो ऑन स्पॉट उनकी घटना स्थल पर ही। अभी तक कितने लोगों की मौत? 3 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। हम प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जो यहाँ पर आए थे कार्यक्रम के लिए उनसे हम मांग करते हैं कि उनके परिजन को 1-1 करोड़ रुपया की सहायता राशि दी जाए और उस परिवार में 1-1 नौकरी दी जाए और जो ये बेलगाम गाड़ियाँ जो दौड़ाते हैं गाड़ी मालिक उन पर भी लगाम लगाया जाए, बिना गाड़ी के कागज और कंप्लीट के वगैरह रोड में ना दौड़ाएं और जो ड्राइवर रखते हैं ड्राइवर व्यवस्थित रखें, ड्राइवरी लाइसेंस हो उनका पूरा, मतलब 21 साल 25 साल जो रहता है उनका नियम उसके हिसाब से उनका लाइसेंस बनना चाहिए और बाकायदा गाड़ी में सब चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए तभी रोड में दौड़नी चाहिए। और जब तक इन पर कंट्रोल नहीं करेंगे ऐसे गाड़ी दौड़ाते रहेंगे और हमारे लोग शिकार होते रहेंगे।